नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेसोपोटामिया के अंत के बारे में कि किस प्रकार इतनी विकसित सभ्यता का अंत हो गया, वो कौन से कारण थे जिसके कारण मेसोपोटामिया का अंत हुआ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेसोपोटामिया के अंत के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मेसोपोटामिया साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकार कई कारण बताते हैं, जिनमें से ये कारण कुछ खास हैं। जैसे कि पहला कारण है, कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जिसके कारण प्रदूषण के साथ साथ युद्ध और पर्यावरण में बदलाव होते गए, और यही कई कारण थे जो इसके अंत का कारण बने, जैसे सूखा पड़ना, जंगलों में आग लगना या फिर कोई और अन्य पर्यावरण कारण, जिन कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा बात करें तो मेसोपोटामिया के शहर में प्रदूषण की बड़ी समस्या थी। प्रदूषण का जो लेवल था वहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण जैसे मैंने बताया कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और पर्यावरण का संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था, जो आगे चल के इसका अंत का कारण बना। अब हम समझते हैं कि इसके और क्या कारण थे। तो इसमें कहा जाता है कि शौचालय की कमी और अप्रभावी कचरा संग्रहण जो इसके अंत का कारण बना, जिससे क्या हुआ, यहाँ गंदे जल होते थे जिससे लोगों को कई बार कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था, जैसे टाइफाइड फीवर और हैजा जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था, और इन चीज़ों की उस समय दवाई भी नहीं हुआ करती थी, जिस कारण से लोग वहाँ पे मरते गए और वहाँ की जनसंख्या कम होती गई, जो आगे चलकर इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। क्योंकि इस साम्राज्य में साफ़ सफाई का अभाव था, ये लोग साफ़ सफाई नहीं रखते थे। अब बात करते हैं साम्राज्य के पतन के एक और प्रमुख कारण की, जो है सिंचाई के पानी। मतलब क्या हुआ था कि सिंचाई के पानी को ना खेतों में छोड़ दिया जाता था, और जब पानी वाष्पित हो जाता था तो ये अपने पीछे खनिज लवण को छोड़ देता था। ये खनिज लवण पौधे के लिए बहुत ही विषैले होते थे, जिस कारण से सारे पौधे मरते जा रहे थे या तो सूखते जा रहे थे, और इससे पौधों को प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण वहाँ पर खेती की कमी होती जा रही थी। खेती की कमी होने के कारण वहाँ पर फसलें सूख गई और लोग भुखमरी से मरने लगे थे। इसके अलावा बात करें तो नदी के तलों में जो गाद जमा हुआ होता था वो नदी के आसपास मैदानों से ऊंचा होता था। जब एक बार पानी खेतों में जाता था तो आसानी से निकल नहीं सकता था, क्योंकि खेत जो थे वो नीचे थे और नदी ऊपर थी, इसलिए खेतों से पानी निकलता ही नहीं था, जिसके कारण कई फसलें बर्बाद हो गई, सारी के सारे फसलें डूब जाती थी। इन्होंने नदी को ऊपर रख दिया था और खेतों को नीचे रखा था, जिससे नदी का पानी भी किस में चल जाता था, खेतों में भर जाता था, जिस कारण से इनके खेत डूब जाते थे और फसल क्या होती थी, बर्बाद हो जाती थी। फसल बर्बाद होने के कारण वहाँ पर फसलें नष्ट हो गई और वहाँ पर खाने पीने की कमी पड़ गई। भुखमरी के कारण कई लोग मर गए, जिसके कारण ये सभ्यता का धीरे धीरे अंत होते गया, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसके अलावा बात करें तो मेसोपोटामिया जो था उसकी सभ्यता में कृषि की अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने बताया, इन सारे कारण से चरमराने लग गई थी, क्योंकि जो मिट्टी थी वहाँ की वो भी अब पौधों को सहारा नहीं दे पा रही थी। मिट्टी की जो उर्वरता थी वो कम होती जा रही थी, उर्वरता कम होने से मिट्टी की उत्पादक क्षमता कम होती जा रही थी, और जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे बंजर बनती जा रही थी। ज़मीन के बंजर बनने से वहाँ पे फसल के उत्पादन में कमी आ गई, जिससे लोग भुखमरी से मरने लगे थे। इसके अलावा बात करें तो इतिहासकारों का ये भी मानना है कि युद्ध इस सभ्यता के अंत का एक कारण बनी थी। बात करते हैं कि युद्ध कैसे इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। तो कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि 1900 ईसा पूर्व में एमोराइट्स ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र को तहस नहस कर लिया। कैसे, इस सभ्यता पे कब्जा करने के बाद वह यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने लग गया, और धीरे धीरे ये सभ्यता जो थी वो अंत की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे कब्जा होने के बाद इस सभ्यता का अंत हो गया। तो विदेशी आक्रमण भी इस सभ्यता के अंत में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।